नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य सीरियल को तो आप जानते ही होंगे। तो कुंडली भाग्य सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है शौर्य और राजवीर द्वारा, यानी कि शौर्य राजवीर शौर्य को देखकर सोचते हैं कि ये पालकी की शादी में आया है, मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, ऐसे ही नहीं आया है। कुछ सोच विचार के रची हुई साजिश लग रही है, उनको ऐसा समझ में आता है, लेकिन वो पता लगाना भी चाहते हैं। देखिए कैसे पता लगाते हैं राजवीर शौर्य के दिमाग का कि वो क्या करने वाले हैं। भगवान करे कि वो पता लगा ले तो सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। इधर शैंडी और उनके एक और दोस्त हैं शौर्य के, वो बातें करते हैं कि शौर्य आखिर क्या करने वाला है, वो शादी में तो किसी के जाता नहीं है, पालकी की शादी में गया है या बॉस बन के कुछ तो ज़रूर करेगा। ऐसा वो दोनों बातें करते, लेकिन क्या करेगा पता नहीं है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इधर गुरुप्रीता सारे चीज़ की कमी हो तो बताइएगा, बोलते हैं वो लोग जी नहीं। इधर वो आती हैं फिर उनकी दादी के पास पालकी की, बोलती हैं कि माँ आपको कुछ चाहिए, वो ऐसी ज़्यादा कर रही है, गर्मी लग रही है, ये सारी बातें करती हैं। तो उनकी दादी बोलती है तुम इतनी अच्छी क्यों हो गुरुप्रीता, तुम तो पालकी की कुछ लगती भी नहीं हो, फिर भी जिम्मेदारी ऐसे संभाली हो जैसे कि तुम उसकी कोई सगी हो, तो तुम इतनी अच्छी क्यों, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। इधर दोनों के बीच बातें सुनकर शौर्य देखते रहते हैं, सुनते हैं, फिर वो ये सब बातें होती रहती हैं। उसके बाद बोलते तुम ऐसा ही मुस्कुराते रहो हमेशा सदा, तुम बहुत अच्छी हो। तब तक इधर शौर्य आते हैं दोनों के बीच में और शौर्य बोलते हैं हेलो दादी, ये तो अच्छी हैं, बोलते हैं हमारी ये बिल्कुल अच्छी है, ऐसे लगता है जैसे कि माँ है। लेकिन आप जो पालकी के बारे में बोल रही है ना, आँख बंद करके बोलते हैं, वो पालकी इनके जैसी नहीं, बिल्कुल नहीं है, इनके अपोजिट है। वो बोलती हैं उनकी दादी की पालकी भी तुम्हारी तरह है, एकदम अच्छी है, बहुत अच्छी है सबके साथ, गुरुप्रीता को बोलती हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, शौर्य बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अच्छी हैं, ये सबको सबसे मिल जाती है, सबसे अच्छे से बात करती हैं, सबका रिस्पेक्ट करती हैं, सबसे सबकी सब चीज़ की जिम्मेदारियां लेती हैं, और चाहे कोई भी काम हो सबके काम में शामिल होती है, और अपना तो जैसे लगता है कि किसी कोई गैर नहीं है। लेकिन पालकी की जो बारे में आप बोल रही है ना, पालकी बिल्कुल वैसी नहीं है, उसके अपोजिट है, बदतमीज है। ये सारी बातें करते हैं, उनकी दादी सुनती रहती है, बोलती है तुम कौन हो। तो ये बोलती हैं, क्या बोलते हैं, गुरुप्रीता बोलती हैं कि ये शौर्य है, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे जैसा ही है। तो दादी बोलती है कि लेकिन राजवीर तुम्हारा बेटा है ना, तो बोलती है नहीं मैं राजवीर की मासी हूँ, तो मेरा भांजा है, मतलब वो भी बेटा ही है, ये भी बेटा है, ये भी दोनों मेरे बेटे हैं, दोनों बेटे जैसे ही हैं, वो बोलती है। फिर बोलती है कि राजवीर तू चल इधर, फिर उधर ले जाके शौर्य को, शौर्य चल इधर, शौर्य को उधर ले जाके बोलती है तुझको क्या हो गया, तू पालकी के बारे में ऐसा क्यों बोलता है, एक बार जो हो गया पालकी को ऐसा क्यों बोल रहा है, तो अपने बारे में तो तू सबकी इसीलिए बोलती है, सबके साथ तू जैसा रहेगा तू अच्छा रहेगा तो तेरे को भी अच्छा ही मिलेगा, तो तू ऐसा पालकी के बारे में क्यों सोचता है। शौर्य कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। इधर शैंडी और दोस्त लोग आते हैं, इधर राजवीर शौर्य का हाथ पकड़ के इधर साइड में ले जाते हैं, और वो शैंडी जाते हैं सब देख कर रोकने के लिए कि हाथ क्यों पकड़ा, तो रोक देते हैं, उनके एक और दोस्त हैं वो रोक देते हैं, कहते हैं तुम मत जाए जब जो हो रहा है। फिर इधर वो ले जाके बात करते हैं कि तू क्यों ऐसा कर रहा है, तू क्या करने वाला, तू ऐसे ही तो नहीं आया है। तो शौर्य कहते हैं कि तू पहला आदमी है जो मेरा हाथ खींच के लाया, लेकिन मेरा हाथ छूने का भी किसी को, और फिर बोलते हैं कि मैं पसंद करूंगा कि मेरे हाथ को लड़कियां पकड़े थे, जो भी ये सब मामला है तो तुम्हारे जैसा इंसान ना पकड़े। तो ये सारा उनको चिढ़ाने के लिए, शायद जो भी उनके इरिटेट करने के लिए बोलते हैं। इधर उनके दोस्तों से वो बातें करते हैं, शौर्य सैंडी का मोबाइल लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तुझे कुछ मैसेज किया है, उसको पढ़ और जा तू वहीं कर। इधर क्या होता है कि पालकी को जूस चाहिए होता है, वो जूस वाले उधर चले जाते हैं,
तब तक देखते हैं सौर्य और उनके लिए जूस लाते हैं। फिर बोलते हैं कि इन लोगों में बातें होती रहती कि तुम तो कल चली जाओगी, कि पूरा घर सुना हो जाएगा, हमें भी वहाँ सब लोग उदास हो जाएंगे, लेकिन हमें जहाँ भी ज़रूरत है तुम मोबाइल फ़ोन कर देना, फ़ोन नहीं होगा तो मैसेज कर देना, और वो भी पॉसिबल ना हो तो मिस कॉल ही मार देना। देखना मैं तुम्हारे दरवाजे पर उपस्थित रहूँगा, मैं तुम्हारे दरवाजे पर हमेशा खड़ा रहूँगा, तुम्हारी जो मुसीबत है मैं सब ले अपने ऊपर ले लूँगा। उसके बाद जब बातें करते करते उनका जूस गिरने लगता है तो उठाते हैं, फिर दोनों ये देखते हैं एक दूसरे को। तब तक लड़के की माँ देखती हैं, जिससे पालकी की सगाई हो रही है, उनकी माँ देखती है, और शायद वो सौर्य ही भेजे रहते हैं क्योंकि अचानक से कैसे देख लेंगी जब इतने देर से नहीं देख रही हैं। तो दोनों को देख रही है कि कुछ रोमांटिक हो रहा है, ये सब देख के देखती रहती है 2 मिनट तक वो। फिर वो आती हैं और बोलती हैं कि तुम लोग, अच्छा हुआ कि कोई गेस्ट नहीं देखा, मैं ही देख ली, नहीं तो सारे लोगों को जवाब देना मेहनत का काम है, मुश्किल का काम है। तुम क्यों, मैं नहीं चाहती कि मेरे लड़के के अलावा पालके के जीवन में कोई आए, कोई दूसरा लड़का है, तो तुम जाओ यहाँ से। तो कहते वो बोलते नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते मैंने देख लिया, मुझे जब बताने की ज़रूरत नहीं है क्या है क्या नहीं। फिर वो बोलते हैं, वो पालकी को डांटती है, तेरी तो शादी हो रही है ना, तुझे तो धनुष के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में क्यों सोच रही है एक दूसरे लड़के के बारे में। तो वो कहती है कि नहीं पालकी, नहीं आंटी पालकी को मत बोलिए, उसकी गलती नहीं है, वो तो जूस गिरने लगा था मेरी वजह से, आई एम सॉरी। ये बोल के वो जाते हैं। तब तक वो बोलती हैं कि वो ले जाती, कहती है तू चल वहाँ पे सबके साथ बैठ। उसके बाद उनके उस पर सॉरी सब देखते रहते, लगता है कि जैसे उन्हीं का नाटक है, वो सब ये सब फैला रहे हैं जानबूझ करके पालकी का चरित्र खराब करने के लिए, या चाहे जो भी, कि वो पालकी सामने वाले को पता चले, लड़के के माँ पिता को पता चले कि पालकी कैसी है, जो भी रहता फैलाना चाहे। उनके मन की बात तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा वो लगा सकते हैं कि अंदाज़ा कि ऐसा कुछ वो करेंगे, कर रहे हैं, शुरू कर दिए हैं अपनी प्लानिंग। तो इधर पालकी के उस पर कपड़े पे जूस की जाता है, बोलती हैं कि जाओ साफ़ करो, वॉशरूम में जाती है। तब तक शौर्य आता है, शौर्य बोलता है कि मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि तुम जो ऐसे अग्रेसिव अंदाज में देखती हो, आज वैसे क्यों नहीं दिख रही, आज एकदम सीधा साधा बन के दिख रही हो। तो वो बोलते हैं कि मैं सबके सामने नहीं दिख सकती हूँ वैसी, अब मैं तुम मेहमान हो एज अ मेहमान, इसीलिए तुम्हारा अभी मैं अनादर नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि रिस्पेक्ट कर रही हूँ। तो कहते हैं कि तुम रिस्पेक्ट करोगी मेरा, क्योंकि तुम मैं तुम्हारे बॉस के बॉस का बॉस हूँ, तो तुम मेरा करोगी। तो वो बोलती हैं कि ऐसा है ना कि तुम अपना काम करो, तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम धनुष के दोस्त के बॉस के बॉस के बॉस हो, तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एज अ मेहमान आए हो, इसीलिए मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट अनरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट भी नहीं कर रही हूँ। तो रेस्पेक्ट कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता, वो कोई मांगने की चीज़ नहीं है। उसके बाद ये सब बातें होती रहती है, फिर वो शौर्य बहुत लंबी चौड़ी उनसे बातें करते हैं, पालकी से बहुत कुछ बोलते हैं। पालकी को बहुत अंदर से डर भी लग जाता है कि वो शादी में पता नहीं क्या करने वाला है, वो बहुत वो हो जाती हैं, सहम जाती है। फिर बोलती हैं कि हाँ, फिर बोलती है कि तुम राजवीर के साथ इतना है, वो झलक रहा था पहले, तुम दूसरे की कैसे होने वाली हो, शादी किसी और से और रोमांस किसी और से। तो बोलती हैं हाँ, एक उंगली उठा के बोलती हैं पालकी शौर्य को कि सावधान रहो, तुम क्या बोल रहे हो, तुमको पता है कुछ, तुमको कुछ नहीं पता है, तो तुम उंगली नहीं उठा सकते हो किसी के ऊपर, और वो बोल के चली जाती हैं। ये देखते रहते हैं, इस चीज़ का मजा लेते हैं। इधर शैंडी को सौर्य बोलते हैं कुछ प्लानिंग करने के लिए, तो सौर्य राजवीर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम भाग चले, क्यों नहीं आए, तुम्हारी क्या शौर्य की क्या प्लानिंग है, तुम लोग क्या करने वाले हो, कुछ तो ज़रूर करने वाले हो, क्या करने वाले हो।
तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो एज अ बॉस है तो उसने बुलाया है, धनुष ने, इसीलिए वो आया है। वो अपने आप से नहीं आया है, उनकी कोई डील है जो पक्की करनी है, इसीलिए वो आया है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ करने वाला है। तो उसके बाद बोलते हैं कि मेरी कॉल आ रही है तो मैं जा रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, और फिर वो चले जाते हैं। इधर राजवीर की माही की मम्मी आती है पालकी की, बोलती है कि जाओ दादी को बता दो, कोई आ रहा आती थी गेस्ट का एड्रेस बता दो, नहीं तो दादी को एड्रेस नहीं भेजने आ रहे, वो कहीं और का कहीं और भेज देंगी, तो तुम जाओ एड्रेस बता दो। तो बोलते हैं जी, वो जाते हैं। इधर माही आती है पालकी का हाथ पकड़ती है, बोलती है चलिए रूम में भी, यहाँ पे क्या कर रही है, कौन है जो देख रही है हीरो। फिर वो देखते रहते हैं दोनों, फिर वो याद करती हैं कि उनकी होने वाली सासू माँ बोलती हैं कि तुम मुझे कोई और लड़का नहीं चाहिए, चाहती हूँ, इसीलिए वो सब याद करती है राजवीर को देखकर। फिर वो बोलती है माही की, अच्छा ये तो शाहरुख खान है आपके सलमान खान को अंदर, ये सब बातें होती रहती है मजाक में बोलती है वो। फिर वो लेकर के जाती है और इधर बातें करती हैं कि शौर्य पता नहीं क्या करने वाला है माही, क्योंकि मैंने उसके फंक्शन में कुछ सिचुएशन क्रिएट कर दिए थे, वैसे ही वो मुझे लगता है कि बदला लेगा मेरे से मेरे शादी में, क्योंकि वो मुझे लगता है कि किसी को छोड़ता नहीं है ऐसा जो करता है उसके साथ, कि उसका वो नहीं जानता है कि क्या मतलब है, कि उस कैसे किया होगा, वो उससे ज़रूर बदला लेता है, मुझे वैसा ही लग रहा है बदला लेने वाला है। तो माही कहती है कि ऐसा कुछ होता तो पहले से कुछ सिचुएशन क्रिएट करता ना दी, या तो हंगामा करता, नहीं तो बेइज्जती करता है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करता, लेकिन वैसा वो कुछ नहीं कर रहा, तो कुछ नहीं करने वाला है, जाने तो उसको, ये सब क्यों सोच रही है, इतना नहीं सोचते हैं। तो फिर वो बोलती हैं कि नहीं माही, ऐसा ही मुझे लग रहा है कि वो कुछ करने वाला है, वो बिना कुछ किए रहेगा नहीं, वो शौर्य है, बहुत बदमाश लड़का है, वो कुछ भी कर सकता है। यही सब बातें होती रहती है इन लोगों की। देखिए कल के आने वाले एपिसोड में क्या होता है, शौर्य क्या साजिश रचने वाले हैं, राजवीर कैसे सामना करेंगे, पालकी क्या करेंगे, कल के आने वाले एपिसोड में आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।